परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गरीबदास साहिब जी, परमात्मा की महिमा को आंखों देख के अब अन्य को समझाने की चेष्टा करते हैं, और हमेशा यही विशेषता रही है महापुरुषों में कि वो अन्य संतों के साथ ही बातचीत करते हैं, ताकि अन्य शिष्य यदि गुरु मान जाते हैं तो शिष्य तो अपने आप स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा अभी तक प्रचलन रहा। तो गरीबदास साहिब जी भी बता रहे हैं कि जो तुम ऐसे ब्रह्म ज्ञानी तो सतलोक की कहो निशानी, कि अगदी तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम विद्वान कहलाते हो, तो सतलोक के बारे में जानकारी दो। हम अधि अवगत फुरमानी, हमरा भेद न कोई जानी, धर अंबर नहीं पौन न पानी, जा दिन की हम कहां निशानी, शंख जुगन पर ले परवाना, जा दिन का हम कागज ठाण्या। कहते हैं शंखों युग पहले जब ना कुछ भी नहीं था, और जब परमात्मा ने सृष्टि रची उस दिन का मैंने इस अपनी अमर वाणी में उल्लेख कर दिया है। कबीर पुरुष के अधि आए, हम कबीर परमेश्वर के दास यहां आए हैं, उनके भेजे हुए संदेश वाहक, अधि माने संदेश वाहक, यहां पर आए और पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हंसा समझाए। चौदह तबक हमारा डंका, और धर्म राज मान तहसंका। गरीबदास जी कह रहे हैं कि इन 14 भवनों में, एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, और उनसे अलग ये 3 लोक अन्य हैं। कहते हैं इन 14 लोक में हमारा बोलबाला है, और यहाँ का जो चीफ जस्टिस है, यहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश धर्मराज है 21 इस ब्रह्मांड का, वो भी हमारे से कतराता है, हमारी आज्ञा का पालन करता है। क्या बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पदवी पाए हुए हैं पुण्यात्मा, ये वही प्राणी है जो कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में रहे हैं, और किसी चौथे युग में उन्होंने भक्ति मालिक की शरण में मर्यादा में रहकर कुछ दिन की। लेकिन इस परमात्मा की एक विशेषता है कि ये किसी को दुखी नहीं देख सकता, कबीर भगवान जो उसकी शरण में आ गए, तो कुछ दिनों के बाद ये बहुत ज़्यादा सुख हो जाता है, और कुछ ही दिनों में जो मर्यादा में रहते हैं उनकी भक्ति भी बहुत अत्यधिक हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि कुछ सुख जब अधिक हो जाते हैं, कुछ पिछले संस्कार से भी प्राणी को दुख नहीं होता, और वो आकर के भी पुण्य संस्कारों के प्रभाव से नाम ले लेता है, भक्ति भी करता है, और फिर उसको और 2-3-4 साल, 5-10 वर्ष वो भक्ति मालिक की साधना करता है, तो उसको आपत्ति तो पहले भी नहीं थी, और फिर ये भक्ति का और संग्रह हो गया, फिर किसी दिन वो मर्यादा में ना रहता है, तोड़ देता है और सतगुरु से गुप्त रखता है, तो मर्यादा टूट जाने से फिर उसके अंदर कोई ना कोई मलिनता आनी प्रारंभ हो जाती है, धीरे धीरे वो भगवान से यानी गुरु जी से दूर होता चला जाता है, और फिर वो क्या बनता है, फिर काल के हाथों चढ़ जाता है। पुण्यात्माओं पहले ओम नाम का जाप ये ऋषिजन किया करते थे, साथ में डड़े भी ढोया करते थे तपस्या वाले,
ओम नाम का जाप ये शास्त्र अनुकूल साधना की प्रथम कड़ी है। ये शास्त्र अनुकूल साधना ओम नाम की करते थे, लेकिन ब्रह्म सत्र की, और साथ में ये हठ योग रूपी ये मेडिटेशन, जिसको मेडिटेशन मेडिटेशन का घाटा जोड़ रखा है, ये मेडिटेशन भी कराया करते हैं। मेडिटेशन से सिद्धियां आ जाती हैं, इनसे नहीं दो घंटे बैठा सुबह दो घंटे शाम, ये तो गोड्डे रगड़ा करते, सारी सारी उम्र खो दिया करते। जैसे एक बार विश्वामित्र राजा था, प्रेरणा पाकर राज त्याग दिया, सह परिवार जंगल में चला गया, जंगल में बच्चों को कुटिया काटिया बनाई, फिर कुछ दिन वहां रहा, फिर दूसरे ऋषियों से इसकी ऐसे खिंचगी, वशिष्ठ मुनि के साथ इसका विरोध हो गया, उनको नीचा दिखाने के लिए 12 वर्ष जंगल में और गहरा चला गया, बच्चा ने भी छोड़ गए, वहां साधना करके आया, बैटरी चार्ज करके आया, आकर उसको फिर ऐसे ही किसी को शराब देकर किसी को आशीर्वाद देकर बर्बाद करके ऐसे। तो इस प्रकार वो शास्त्र अनुकूल साधना जो ओम नाम की वो करते थे, उसका क्रेडिट अलग लिखा जाता है, जो हठ योग करते थे मेडिटेशन उसका अलग से लिखा जाता है। जो तप वो हो जाता है मेडिटेशन करने से, उस तप से वो राजा बनते हैं, वो सब उसके किए हुए क्रिया जैसे भी जिसने किए लिखे जाते हैं। और साथ में सतनाम का जाप भी उन्होंने किया हुआ होता है, सतनाम मीन ओम नाम के साथ दूसरा मंत्र भी जाप किया हुआ होता है। किन्होंने? जो भगवान से विमुख हो जाते हैं, गुरु से विमुख हो जाते हैं, सतगुरु से, तो फिर वो क्या करते हैं, ओम नाम की जो जाप है उसमें और सतनाम, सतनाम और दूसरा मंत्र भी है। ओम नाम के जाप को तो ये खत्म कर देते हैं ब्रह्मलोक में, युकालिन को वहां नष्ट करवा देता है, वहां रखता है काफी दिन, 8 करोड़ तुम्हारी पूंजी तुम्हारा ही पुण्य। उसके बाद जो दूसरा मंत्र है सत, वो बहुत कीमती है, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। उन प्राणियों में से अपने एक ब्रह्मांड के लास्ट स्थान पर, ब्रह्मलोक के सबसे ऊपर जहां ये खुद रहता उससे नीचे, 3 ये नकली व्यवस्था बना रखी है सतलोक वाली, डुप्लीकेट, उसमें सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक। तो ऐसे इनको जो सतनाम के जाप करने वाले और फिर परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, उनको वो फिर वहां रखता स्टॉक वहां उनको, क्योंकि इसकी जल्दी से कमाई खत्म नहीं होती दूसरे मंत्र की, मर्यादा से किया वैसे नहीं अपने मनमुखी करता रहे। तो उनमें से फिर ये क्या करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पोस्ट पर अपनी पुत्री दुर्गा के माध्यम से उनको पुनः जन्म देता है और वो ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए जाते हैं। ऐसे ये काम बिगाड़ता है। और जो वहां सतलोक में चले गए, इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से तो बहुत ज्यादा अच्छी आत्माएं हैं जो सतलोक चली जाती हैं, क्योंकि उसी उसी क्लास के वो क्लास फेलो थे और वो बीच में छोड़ गए, जितनी उन्होंने पढ़ाई की उसका बेनिफिट उनको मिल गया। तो यहां बता रहे हैं, शंख जुगन पर ले परवाना, जा दिन का हम कागज ठाना, कबीर पुरुष के ऐधी आए, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान समझाए, हम ऐधी हैं दुर के भाई, जम किंकर पर हमरी दाई, सतलोक के हम सैलानी, आत्म तत्से पलटा बाणी, आज अंत का करो विचारा, जित से उपजाये संसारा। ओंकार अष्टंगी माया, जिन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाया, 5 तत्व का ये पिंड ब्रह्मंडा, जामय नदी 18 गंडा, ब्रह्मा विष्णु गिने न जाई, और सुख सागर की पर भी नाई। कहती वहां सतलोक के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी पुण्यात्माओं की तो गिनती भी कोई ना, इतने हुआ पर जो वहां सतलोक में आनंदित हो रहे हैं, और जो यहां रह गए वो इस काल के फंस जाते हैं। अब क्या बताते हैं,
ओंकार अष्टंगी माया जिन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाया जया मन जन्म दिया। दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया। ये इस काल की पत्नी है दुर्गा, ज्योति निरंजन की पत्नी है ब्रह्मा विष्णु महेश का, जो ज्योति निरंजन काल पिता है। पांच तत्व का पिंड ब्रह्मंडा जाम नदी अठारह गंडा लख चौरासी है चौखानी जाकी बेड़ी वेद कुरानी। कहते 84 लाख योनियों में फंसे रहने का मुख्य कारण वेदों और कुरान की जो ज्ञान है ये इनकम्प्लीट है, और जिस कारण से आप साधनाएं भी करते हो, अच्छी अच्छी पोस्ट भी ऊपर के लोकों में प्राप्त कर लेते हो, लेकिन फिर भी आप इस काल की जेल से बाहर नहीं जा सकते, जन्म मृत्यु तुम्हारा समाप्त नहीं होता। कहते हैं ये वेद और कुरान इस काल के जाल में फंसाए रखने की तुम्हारी खास बेड़ी है, तुम्हारे पैरों में ये जंजीर पड़ी हुई है। और परमात्मा कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं, काटूं फंद सतलोक ले जाऊं। तुम कौन राम का करते जापम तात कटे ना तीनों तापम। तुम कौन राम का, कौन से भगवान का तुम जाप करते हो जिस कारण से तुम्हारे तीन ताप भी नष्ट नहीं होते। तीन ताप के अंतर्गत कौन कौन से कष्ट आते हैं, जैसे कोई जंतर मंत्र कर देता है, या कोई संत श्राप दे देता है, ऋषि श्राप दे देता है, कोई देव रुष्ट हो जाता है, इस तरह के ये तीन ताप होते हैं। और इन तीन तापों का नाश भी कहते हैं तुम जिन भगवानों की भक्ति करते हो, किसकी, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और ज्योत निरंजन काल ब्रह्म की, दुर्गा आदि और अन्य देवता और भी जो पूजाएं हैं वो तुम करते हो, जिससे तुम्हारा तीन ताप भी नाश नहीं होता। तुम्हारा राम निरंजन नाती ताते हम तुम में है बाती। अब क्या बताते हैं कि तुम्हारा तो यो ज्योति निरंजन राम ये तुम्हारा नाती है, ये तुम इससे जुड़े हुए हो, इससे संबंधित हो चुके हो, इसको अपना माने बैठे हो, इसलिए हम में और आप में ये भिन्नता है, विचार नहीं मिल पा रहे। और जिस सत्र की आप साधना कर रहे हो ये तुम्हें ना तो यहां सुख देवे और न ही आपका मोक्ष हो सकता। पुण्यात्माओं यहां सुख किसको होगा? अब मान लीजिए आपके प्रारब्ध कर्मों में आपके जीवन जो निर्धारित किया है उसमें पाप कर्म अत्यधिक हैं, और उन पापों का नाश ना ब्रह्मा जी की साधना से, ना विष्णु जी की साधना से, ना शिव जी की उपासना से, ना दुर्गा की उपासना से, ना ब्रह्म की उपासना से, ना परब्रह्म की उपासना से, ये प्रारब्ध कर्म के पापों का नाश नहीं हो सकता। संचित का तो मतलब है नहीं, अब संचित के बारे में तो बाद में सोचेंगे, जब हमारे प्रारब्ध में दुख जो आएंगे हमारे जीवन में आए हुए हैं इनका नाश हो और सुख हो, तब हमें यकीन होगा कि ये भगवान संचित भी काट सकता है। प्रारब्ध ना कट रहे फिर संचित कितना कटेंगे, जो हमारे ढेर पड़े हैं वहां पर बैलेंस है। तो केवल एक परमात्मा है जो पाप नाश करता कर सकता है। तुमरा नाम निरंजन नाती ताते हम तुम में है बाती, अनंत राम अयोध्या में आए सो दशरथ के पूत कहाए। कहते हैं इसे इसे न जाने कितने एक रामचंद्र राजा दशरथ के जन्म लेकर और यहां पर वो पाक के चले गए, फिर विरान मिट्टी हुई और फिर आगे लख 84 योनियों में चले जाते हैं ये अपना ब्रह्मा विष्णु महेश और बाकी कर्मों के फल को भोग भाग के 84 लाख योनियों में जाते हैं। रघुवंशी राजा थे भाई तीन लोक जाकी ठकुराई।
कहते तुम उस रघुवंशी रामचंद्र दशरथ के पुत्र को भगवान मानते हो, वो तीन लोक के मालिक थे, एक विभागीय मंत्री। रघुवंशी राजा थे भाई, तीन लोक जाकी ठकुराई। वो केवल तीन लोक के मालिक थे, प्रभु थे, ठाकुर थे। कोट राम गए लंका तोरी, ताको लखी न अवगत डोरी। कहते करोड़ रामचंद्र लंका तोड़ तोड़ कर प्रभु पा किए, उनको उस अवगत की डोरी यानी आगे वाले मार्ग का ज्ञान नहीं हुआ। आदि राम कबीर सर्वंगी, अवगत अस्थिर अचल अभंगी। आदि राम, ओहो, वो सनातन परमात्मा आदि राम, सबसे पहले वाला प्रभु कहते कबीर साहिब है। सर्वंगी माने सर्वव्यापक वासुदेव। रमता राम अलख परवानी, सतपुरुष की कहूँ निशानी। ब्रह्म भक्ति ना की जो भाई, तुम हो जम की फर्दी माही। पुणात्माओं, वेद ज्ञान को तो हमारे लिए वेद ज्ञान तो इसलिए जटिल हो रहा था कि वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, और संस्कृत हमने आवे नहीं थी, केवल एक वर्ग ही संस्कृत को जानता था, जिस कारण से हमारे लिए वेद पाठ हो रहे थे। वेदों में तो बहुत सिंपल ज्ञान है, भाषाएं बीच में बाधा हो रही थी। अब उस वेद ज्ञान को कुछ एक उन्होंने अनुवाद किया है, कुछ गलत कर रखा है, कुछ ठीक भी कर रखा है। अब हमने, हमारे पास ये परमात्मा सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में वही चारों वेद और चारों वेद से आगे का भी ज्ञान हमें उपलब्ध है। तो इस सूक्ष्म वेद से हम इन चारों वेदों को भी, जो अनुवादित गलत अनुवाद गलत कर दिया गया है, उनको भी सेट कर लेंगे। अब क्या बताते हैं, ब्रह्म भक्ति ना की जो भाई, तुम हो जम की फर्दी माही। कौन मुक्ति के तुम हो बासी, भ्रम वेद में पड़ी हुलासी। कबीर पुरुष ने आन जगाया, गुज वस्तु का भेद लखाया। जनदास गरीब कह नरलोई, राम मिले से राम होई। अब क्या बताते हैं कि भ्रम भक्ति ना की जय भाई, और तुम हो काल की फर्दी माही। फर्द जैसे आप रजिस्ट्री करवाते हो किसी जमीन की, तो उसमें फर्द निकलवाते हैं, जो फर्द के अंदर आपके नाम जो वस्तु है, उस फर्द के अंदर जितने भी आपके नाम जमीन है वो आपकी पक्की होगी। तो कहते हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं ब्रह्म भक्ति ना की जो भाई, तुम ये नकली साधना मत करो बिना ज्ञान के। कहते परमात्मा, कबीर जी कहते हैं गरीबदास जी को बताया करके कि एक अस्थि की पेड़ में सब जीवों की पेड़ और सार शब्द चिन्ह बनाया, दुनिया मारे खेड़। खेड़ माने बिना किसी, बगैर किसी जानकारी के, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर दून मार रहा है, कोई इधर भटक रहा है, रास्ता ढूंढ रहे हैं। कहते हैं एक हाथी के पेड़ में, एक हाथी की पेड़ में, पेड़ माने पैर के चिन्ह, पृथ्वी पर जो निशान बन जाते हैं, सब जीवों की पेड़, यानी हाथी के पैर के अंत से बड़ा किसी का पैर नहीं है। यानी वो सार शब्द चीन ने बनाया दुनिया मारा खेड़, एक मंत्र है जो मोक्षदायक है, उसके से बाकी सब उससे नीचे नीचे छोटे ही हैं, वो आपको कंप्लीट लाभ नहीं दे सकते, बेनिफिट नहीं दे सकते। ब्रह्म भक्ति ना की जो भाई, तुम हो जम की फर्दी माही। तुम तो काल की फर्द में हो, उसके पक्की रजिस्ट्री हो रही है तुम्हारी, उसके पक्के नाम हो रहे हो तुम। अब उसकी इस फर्द से अपनी फर्द में लाएंगे आपको, परमात्मा के नाम कराएंगे आपको, उसके लिए आपको बहुत आध्यात्मिक धन की जरूरत पड़ेगी। उस आध्यात्मिक धन की कमाई के लिए आप जी को विधि बताई जाएगी। अब गरीबदास महाराज जी कह रहे हैं कि परमात्मा कबीर जी ने
क्या बताया है कि माया आद अंधगति मेला और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, इन पांचन मलकीन बंधाना, इन पांचन मलकीन बंधाना समझे नहीं ये जीव दीवाना। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। कह कबीर पुरुष अविनाशी, हम ही काटे यम की फांसी। अमर करूं सतलोक पठाऊं, शंख पद्म जल मिल दर्शाऊं। दास गरीब विहंगम मेला, सत पुरुष कबीर का चेला। अब परमात्मा की महिमा से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने यथार्थ भक्ति की जानकारी दी और जो साधना गलत कर रहे थे उसका खंडन किया। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईव झड़े ना झाड़े। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहलाए ईब झड़े ना जाड़े। ऐसी गलत साधना इस जीव के साथ चिपका दी, ऐसे गलत कर्म ये कर रहे हैं। अब कहते इनको झाड़े ते भी ना जड़ते, इनको समझाए से भी ये नहीं छोड़ पा रहे। ये पत्थर को परमेश्वर कहते, या निंदा बड़ भारी, या की मोको समझ न पड़ी, पूजा दी अकगारी, पूजा करी अकगाड़ी। जो हड़का जल भर के लाए, चरणामृत ठहराए, जड़ के चरण धो कर दीने, चेतन को फिर प्याए। इन अज्ञानी ऋषि संतों ब्राह्मणों को गुरुओं को लताड़ रहे हैं कि तुम पत्थर न परमेश्वर बताओ, मूर्ति बोलती ना, सुनती ना, चालती नहीं, कुछ भी उसका घंट बजाओ, उसका आगे प्रार्थना कर रहे हो। और फिर जोड़ का जल भर के लाए, चरणामृत देखे हमने बनाते, जो हमारे गांव में एक शिव जी का मंदिर है और हम हमारे गांव में फ्लड आई लगातार कई वर्ष, तो हम चौथी पांचवी पर डरते, तो मंदिर के पास एक तालाब था, उसके ऊंची ऊंची बना रखा था उसका दीवार, मिट्टी का चारों तरफ ऊंचा ऊंचा उसका किनारे बना रखे थे, उसको पक्का किया हुआ था, उसी में मंदिर था, वहाँ बड़े बड़े वृक्ष थे, तो वहाँ पढ़ा करते, क्लास लगा करते, तो वहाँ देखा करते सुबह सुबह ये जाते पुजारी और श्रद्धालु उस तालाब में थे जिसमें माए भैंस मूतते हैं, वहीं था लंबा चौड़ा, उसी में सारे टट्टी के हाथ धोए, और उस समय तो घाट बना हुआ था, पानी भरें कपड़े तो छाण गए रोटे में, और भगवान शिव जी के सिर पर डालें तरड़ा ला दें, और फिर वो पानी ऊपर से गिर का आवे उसका लोटा तले डालें, और फिर उन अपने वहाँ चरणामृत दें चेलियाँ ताई और गरवानों के लिए ले जावे। परमात्मा कहते हैं जो हड़का जल भर के लाए, चरणामृत ठहराए, जड़ के चरण दो कह दीने, पत्थर की मूर्ति जड़ उसके पैर दो कह, फिर चेतन को प्याए, जिंदे जागते बोलते वाले को, बोलने वाले को वह चरणामृत बना के प्या दिया। ऐ थरा गज भाई, भैरो भूत मसाणी पूजे दुर्गा देवी ध्यावे, उत्ती के तो तब ही बाजे बकरे आण कटावे। सालग सिला गांठ में बांधे तीर्थ चले अपराधी, समझ न पड़े परख नहीं आवे बड़े ज्ञान के बादी। परमात्मा कहते हैं कि कर्म ठोक इंसान कर्महीन तीर्थ पर जाते हैं कोरे पाप कमाण, और उन समझ आवे तो इतना विध विवाद करके खड़े हो जाएंगे, ज्ञान और पता नहीं क्यों क्यों बतलाओगे। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी बिहंगा, गरीबदास हुए भवजल डूबे नहीं साध सत्संगा। निचोड़ कर दिया सारे साधना के लिए। कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी बिहंगा, भादो के महीने में अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होने से दरिया जो होती है वो बहुत
विस्तार में होकर चलती है। और उस भादो नदी के जो फुल स्विम पर दरिया बह रही होती है उसको पार करने के लिए क्या विधि बताई जाती है? अज्ञानी मार्गदर्शक क्या कहते हैं कि इस दरिया से पार तुझे भेड़ पार कर देगी, इसकी दूम पकड़ दे, पूछड़, इसकी पूंछ पकड़ दे और इसको ये ले जाएगी तुझे दरिया से पार। कहते ऐसी साधना है और जाना सतलोक मोक्ष प्राप्ति के लिए और साधनाएं तुम ऐसी कर रहे हो। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वह भवजल डूबे नहीं साध सतसंगा। बोले गुरुआ गर्भ ना कीजे ताते पाहन कदे नरीजे, बाल मुकंद बोलत नाही लटक बिहारी लूटे। गुरुआ के सिर मार पड़ेगी थरा पीछा कदे ना छूटे। कहते तुम गलत साधना कर रहे हो, ना तो गुरु का पीछा छूटे ना तुम्हारे अनुयायियों का। गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो गरते काट घसीटो, इसके मारे पाप नहीं है या को निश्चय पीटो। अपनात्मा कहते हैं नकली गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए और ऐसे नालायक को जो आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहा है, ऐसे नकली गुरु को कहते हैं गर्तन पकड़ कर बाहर घसीट कर ले जा। और कहते हैं इसके ऐसे नकली का दर भी दे दो दड़ाक तक, कोई दिक्कत कोई ना। तुम तो ये डरते हो कि गुरु जी का को त्यागना नहीं चाहिए। अब क्या बताते हैं कि ये भोली आत्माएं जो श्रद्धालु होते हैं ये अपने धुन के पक्के होते हैं और ये नकली गुरु इनकी श्रद्धा का नाजायज फायदा उठाते हैं, ऐसा पाठ पढ़ा देते हैं भाई गुरु नहीं त्यागना चाहिए। एक बहन नाम लेने आई है, दूसरे पंथा का नाम ले रही थी, उसने नाम ले लिया। फिर उसने अपने ही साथी दूसरे पंथ में जो जाती थी उसी की एक सहेली को फिर बताया कि आप यहां नाम ले लो। तुआ कति आकड़गी ने बोली गुरु तो ऐसा बदल लिया, ऐसा खसम बदल लिया। तो फिर उसको हमने समझा बेबे गुरु का दर्जा एक टीचर जैसा हो सके, एक डॉक्टर समझ लो, और एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता तो दूसरे को अवश्य चेंज कर लेना चाहिए अपना जीवन रक्षा के लिए। ऐसे ही एक गुरु डॉक्टर होता है, जन्म मृत्यु का रोग हमारे लगा हुआ है तो ऐसे, और एक डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा दूसरे गुरु के पास जाना चाहिए। पति का दर्जा अलग है, वो तो एक संसारिक नाता है, ये तुम्हारे गुरुओं ने गलत मार्गदर्शन कर रखे है, तुम्हें मूर्ख बना रखे। नोली नाम ना माना। अपने आत्माओं एक बहन जो है हमारी नाम ले रखे उसने, और उसके साथ एक उसकी पड़ोसन दो तीन मकान दूर रहती थी, उसने कहा उसने कितना सुन दिया किसी पे भाई गुरु बिन मोक्ष नहीं, गुरु बिन मोक्ष नहीं। उसका यह धुन लगी गुरु बनाना चाहिए, वो हमारे शिष्या के पास आई बेबी मन गुरु बनाना है, और तन मन सुनाया तन नाम ले रखा करो थ्याड़े महाराज का। हाँ बेबी ले रखा, मैंने नाम लेना, मैं नाम दिवा दे, अगर ये देख ले ये मर्यादा है, अगर मैं सारी मान लूंगी। वह नाम लेगी, फिर वो दो पाँच सात दिन के बाद सत्संग था, वो बुलान गई कि आजा बहन सत्संग में चलेंगे। ने बोली मन आ जाए सत्संग में, गुरु बनाना था गुरु बना लिया, गुरु बिना मोक्ष होता नहीं, पर पूजा वही करूंगी जो पहले आग्रह करती है। थरा गजब हुई। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी किस सब गट आन अड़ी, पर किस किस न समझाऊ या कुआ भांग पड़ी। एक बुढ़िया आई यहां पर तो मैं ऐसे पूछ लेता हूं, मैं भी पहले बहन माँ इतने कहीं पहले से उपदेश ले रखा है, हाँ ले रखा है। ने बोली छह गुरु बना रखे हैं और सातवा तन्न बनाना आई सू। मैं कहा फिर गुरु तो एक का बतेरा। बोला मैंने इन्हों सुनया है कि पूरे गुरु तो पार होया करे,
फिर मखा एक का बना देती। अग्नि सोची कोई सा ढेड़ तो पार करेगा, एक तो ना हुई तो कोई सा ढेड़ तो पार करेगा, छह बना दी, सातवां तो न बनाना ही, मैं तो जाती रह थे। तो परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अठपटी सब घट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। ओए होए पुणात्माओं, आज तक जब तक इस दास पर कृपा परमात्मा कबीर बंदी छोड़ की नहीं हुई थी, अध्यात्म ज्ञान हमें मिला नहीं था, तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब तक हम राम की डेफिनेशन से भी, राम की परिभाषा से भी परिचित नहीं थे। परमात्मा बताते हैं हमारी क्या स्थिति थी। भाई को एक है मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे। अब क्या बताते हैं कि कोई तो कहे हमारा रामचंद्र जी सब तो बड़े राम, और मुसलमान के ना अल्लाह बड़ा है, खुदा बड़ा है, कोई कैसा मसीह बड़ा है, कहते हैं तो बांट रहे थे भगवान ने। अब क्या है, पांच अंधे थे, गांव में हाथी आ गया, सब लोग हाथी देखने चल पड़े, अंधों को पता चला, वो कहने लगे भाई हम भी अंध हाथी देखेंगे। तो वो एक कहने लगे भाई हाथी देखोगे कैसे, तुम्हारा आँख तक को नहीं। कहने लगे हमारी हाथ जो है आँखों का काम करा करें, एक बार हमने हाथी के आसपास छोड़ दियो। वो हाथी के आसपास छोड़ दिए अंधे, एक अंधे ने तो पैर पर देखे, पैरों का निरीक्षण किया ऐसे, और एक ने सूंड ठह गया, वो सूंड पर घात फेर बस हाथी इतना है उसे, एक का कान ठह गया, वो कानना पर पूरी तरह निरीक्षण कर लिया कि भाई हाथी यूं इतना है उसे, एक ने दूम पकड़ दी, दूम पर घात फेर लिया कि बस इतना हाथी होता है, और एक ने पेट पर घात फेर लिया, पेट के आसपास हाथ मार के देख लिया भाई यू हाथी का देख लिया, ले लिया आइडिया है, चल पड़े। जब पांचों वापस आवे थे और चर्चा कर रहे थे, वह हाथी देखा, वह हाथी देखा, एक दो व्यक्ति खड़े हो गए, बोले रे अंधो तुमने देखा क्यों ऐसे हाथी, हम हाथा देखा भाई, हाथों से देख लेते हम, क्यों बताओ तो हाथी कैसा था। एक बोला वह हाथी था पाइप कैसा, उसने सूंड सूंड को हाथी मान लिया, सूंड का ऊपर हाथ फेर रखा था। दूसरा बोला भाई गलत कह रहा है, मैं बताता हूँ हाथी हो थाम कैसा, उन्होंने पैरों ऊपर का हाथ फेर रखे थे, अब पैर पैरों का निरीक्षण कर रखे थे, पिलर जैसा थाम के हमारे कारण पिलर गोल पिलर हो जाए। तीसरा बोला भाई नहीं बेरा, मैं बताता हूँ इनको ज्ञान नहीं है, अब कैसा होता हाथी होता छाज कैसा, उसने कानों का हाथ मार रखा था। चौथा बोला भाई इन तीनों ने कुछ नहीं ज्ञान, मैं बताता हूँ हाथी होता पट्टा कैसा, पट्टा यानी बेल्ट, वो पूछड़ पे घात फेर रहा था हाथी की बह। पांचवा बोला भाई इन कति नहीं पता, मैं बताता हूँ हाथी हो सा बटोड़े कैसा, बटोड़ा होया करे हमारे विशेषकर रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, बटोड़े ने बटोड़ा तो उसमें उपले गोस्से भर दिया करें, सपेर गोस्से हो ना गोस्से गोबर के उपले, और उसमें भरकर ऐसे उसको गोबर ते लीप दिया रहा अच्छा बड़ा, और वो गोबर से लिपने गोबर से लिपने के बाद वो खरदरासा बहुत होता है उसका उठपटांग सा ऊपर के, तो ऐसा ही हाथी का शरीर बॉडी होता है,
तो चौथ पांचवा बोला भाई हाथी होता बिटोड़े कैसा। तब वहां ख्याले ने बताया भाई अंधो ये सारा मिलकर हाथी होता है, ये इंडिविजुअल पार्ट हाथी नहीं है। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष के ये बच्चे हैं जितने भी रामचंद्र जी विष्णु जी ब्रह्मा जी और ये ईसा जी हजरत मोहम्मद जी ये उस परमात्मा के बच्चे हैं, ये भगवान नहीं है, उसी के अंश हैं। रमता राम जपोरे प्राणी अब तुम सुन ले राम कहानी। कच्छ मच कूरम ना होते दौल धरणी नहीं ध्यानी। चंद सूरज दो दीपक ना थे पवन और पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश न होते न लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी नहीं गौरज रानी। सावित्री नहीं सनक सनंदन तब होते अलख बिनानी। शेष शेष मुख निस दिन गावे ररंकार निज बाणी। राम नाम का सिक्का मेटे व डूबेंगे अभिमानी। सुर तैतीसों सैंस अठासी और चौरासी सिद्धा। ये चार खान के जीव उपाय आदि पुरुष की अध्या। आदि राम सोई अंत राम है मध्य राम है सोई। पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक आगा न पीछा कोई। जनक विदेही राजा होते जब राय की बंद तोड़ी। राम नाम प्रहलाद उधर गे व फूक फाक दी ओड़ी। रामचंद्र रघुवंशी होते जिन जाण्या तिन जाण्या। दिव्य रूप स्वर्गापुर पहुंचे अयोध्या चढ़ी विमाना। राम कहनते राम मैं हो गे पूछ देख पर लादम। दास गरीब जरे नहीं जा रे लागी अजर समादम। अब क्या बताते हैं, जनक विदेही राजा होते जिसने जमराज की बंद तोड़ी और राम नाम प्रहलाद उधर गए। वह फूक फाक दी ओड़ी। अपनात्माओं ये एक बहुत ही गूढ़ ज्ञान है जो संत गरीबदास साहेब जी ने परमेश्वर से प्राप्त करके इसमें लिखा है। इस ज्ञान को समझना बहुत कठिन है, वेदों को समझना आपके लिए बहुत आसान होगा अब इस ज्ञान के आधार से। अब इस ज्ञान में इतने गूढ़ शब्द हैं, गूढ़ रहस्य हैं, यानी उनके एक छोटे से शब्द का अक्षर का बहुत बड़ा विस्तार करना पड़ता है। इसमें क्या बताया है कि राम नाम प्रहलाद पढ़े थे उधर गए, यानी वो पार उधर गए माने उभर गए। राम नाम की भक्ति से उनको इतना सहारा मिला कि उनके पिताजी खुद राजा थे हिरण्यकशिपु, और वो हिरण्यकशिपु कहता था कि मेरा नाम जाप करो, भगवान का जाप नाम मत करो। लेकिन प्रहलाद को ये पता था कि पिताजी मिसगाइडेड हैं, राज के अभिमान में छोटी सी सिद्धि प्राप्त करके ये भूल रहे भगवान को। तो कहते थे नहीं पिताजी, परमात्मा की भक्ति से ही कल्याण होगा। यानी प्रहलाद भी राम का नाम जाप करते थे, राम राम नहीं, नारद जी से उपदेश प्राप्त किया था, वो अन्य मंत्र था जो दास कभी बताएंगे आपको, और पिछले संस्कार भी थे उसके। कहते हैं पिछले पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। तो कहने का भाव ये कि उस प्रहलाद को उनके पिताजी ने ये इतनी यातनाएं दी, पर्वत से ऊपर से गिरवा दिया, पहाड़ से डलवा दिया नीचे मर जाएगा, नीचे फूल परमात्मा ने ऐसे बड़े बड़े फूल के पौधे बना दिए, ऐसे फंसे हुए उनके ऊपर जाके गिरा, सुबह उठ के घर चला गया।
फिर सोचा कि इसने को कैसे मारे, दुनिया निंदा भी ना करे ऐसा कर दे। होलिका उसकी बहन थी, प्रहलाद की बुआ थी, चिता बना करके होलिका बैठ गई उस पर और प्रहलाद को कहा कि आजा बेटा तू भी बैठ जा। प्रहलाद से कहा उसके पिता ने कि तू बैठ इसमें, देख तेरी बुआ नहीं जलेगी, अगर तेरा भगवान है तो तू भी नहीं जलेगा। तो उस होली ने, तो होलिका ने तो अपने ऊपर एक ऐसा वस्त्र ओढ़ लिया जिसको अग्नि नहीं जलाती थी, उसने वरदान से प्राप्त कर रखा था किसी ऋषि से, किसी देवता से। अब हुआ तो बैठ गई चादर ओढ़ के और प्रहलाद बैठा लिया गोड्या में, चिता पर बैठ गई, आग लगा दी। परमात्मा ने ऐसी लीला की, ऐसी जोर की आंधी चली, ओथल पोथल होकर नो वह चादर तो प्रहलाद पाएगी, आग पूरी बकड़ बढ़ गई थी और वह बुआ दड़के मर गई। पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। अब जैसे फिर प्रहलाद को उसने सोचा यू कैसे नहीं मर रहा है, तो एक खंभा लाल कर दिया, कति लोहे का थंब खंभा, इतना आग में इतना गर्म कर दिया और उसको कहा कि तू इस खंभे को पकड़े, यदि इस तेरा भगवान है अब पता चलेगा। और इतना इतना हीट दे रखी थी उसको, इतना गर्म कर रखा था खड़ा खड़ा खंभा लकड़ी जला जला के, कि हाथ लग जाए तो बालक का चिपका ही रह जाए, खत्म हो जाए एक सेकंड में। प्रहलाद घबरा गया कि आज खत्म होगा तू। तब उसके ऊपर बालू कीड़ी चलती नजर दिखा दी परमात्मा ने, बेटा घबराना। उन्होंने सोची कीड़ी नहीं चलती, ऐसे करना चाहा उसी समय फट गया वो खंभा, उसमें से परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ऊपर से शेर नीचे से मनुष्य, लंबे लंबे हाथों के नाखून बाहर निकला। अब वो हिरण्यकश्यपु हाथ जोड़े पैर पकड़े, मुझे बख्श दो बख्श दो। तब नरसिंह ने कहा कि ये बच्चा तेरे सामने कितने दिन से हाथ जोड़ रहा था बेरहम, तुझे रहम हुआ इस पर, अब अपना नंबर आया, तुझे डर लगा, पाड़ के फेंक दिया, खत्म कर दिया। अब ये तो है कथा और सत कथा है, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या है और ये तत्व ज्ञान जो आपको बताया जा रहा है, इसमें हर स्टोरी का, कहानी का एक निष्कर्ष निकाला जाता है। जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जाए वो बह जाते गजराज। कबीर परमात्मा कहते हैं जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सो ही मछली चढ़ जा, हो हो नो 50-50 फुट 40-40 फुट नीचे पानी गिरता है, 20-20 फुट 10-10 फुट नीचे, और मछलियां नीचे से ऐसे स्पीड से ऊपर पहुंच जाती हैं उस बहाव के विपरीत दिशा में, और वहां पर जहां वो जल गिर रहा है झरनों का, हाथी के भी पैर डिगा देता है, हाथी नहीं रुक सकता वहां पर। अब कहने का भाव क्या है कि जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, अब मछली उस जल के बिना नहीं रह सकती, मछली का उस जल से विशेष लगाव है, वह उसकी पक्की भक्त है, और जल के बिना 5 मिनट के अंदर मछली तड़प तड़प कर मर जाती है। तो इसलिए जल ने उसको इतना अनुकूल दे दिया, उसको इतना छूट दे दी, तू कित घूम ऊपर चढ़ नीचे आ, तेरी सारी छूट। तो पुण्यात्माओं, जैसे हम जिस भी राम की शरण लिए हुए हैं उसकी जितनी जितना सामर्थ्य है उतना राहत आपको अवश्य देगा। जैसे आपका किसी SHO से मेल है, थाने में आम आदमी नहीं जा सकता,
और यदि थानेदार का खास मित्र है वो बेधड़क थाने में जाता है और थानेदार उसको कुर्सी पर बिठा के चाय पिलाता है और उस थाने में कितने घूमे फिरे वो। ऐसे ही किसी की मित्रता एसपी से है, आईजी से है, तो वो उसका खास मित्र है तो उसको वो सारी छूट दे कि तक घूम फिरे। यदि किसी की मित्रता किसी मंत्री से है तो मंत्री के उसको पूरी सुविधा देता है, उसके सब कार्य भी उसके सत्र के जो होते होने वाले विदिन ला वो सब कर देता है। ऐसे जिसकी मित्रता मुख्यमंत्री से है और खास मित्रता है तो वो अपने स्टेट में उसको पूरी छूट दे देता है, और जिसकी मित्रता प्रधानमंत्री से उसका आगे मुख्यमंत्री भी सलूट मारा है और नीचे वालों का कहना है क्या। तो कहने का भाव यह है कि जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सो ही मछली चढ़ जा वह बह जाते गजराज। गजराज माने हाथियों का भी मुखिया, यानी बहुत तगड़ा हाथी, वो भी उस जल के सामने टिक नहीं सकता, वो बह जाता है। और वहां पर वो मछली वह 2 किलोग्राम की मछली ऐसे ऊपर चढ़ जाती है, कुत्ती ऐसे नीचे गिरता हुआ पानी बहुत गहरा, वहां से ऐसे जाती है वह ऊपर पहुंच। तो यह प्रसंग जो चल रहा है, गरीबदास साहिब जी ने ये बताने की चेष्टा की है कि तुम कौन राम का जपते जापम ताते मिटे नाती नू तापम। तीन ताप के अंदर आते हैं, जैसे आपके ऊपर किसी ने कोई जंतर मंत्र कर दिया हो, किसी का गाल गलवा रखी हो, और किसी को कोई श्राप मिला हुआ हो, या कोई प्रारब्ध का कष्ट है, तो वो किस राम से समाप्त होगा। अब जैसे श्री रामचंद्र जी को श्राप दिया था नारद जी ने, कि तू एक जीवन अपनी पत्नी के योग में बिताएगा, ऐसा ही हुआ। श्री रामचंद्र जी यानी विष्णु जी को श्राप दिया था श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के अगर जन्म हुआ और पूरा जीवन सीता के वियोग में उसका व्यतीत हुआ। एक बार दुर्वासा जी ने श्राप दिया था कि यादव कुल का नाश होगा, ऐसा ही हुआ। श्री कृष्ण जी का पूरा कुल नष्ट हो गया, श्री कृष्ण जी भी मारे गए। एक शिकारी ने उनके पैर में तीर मारा था, विषाक्त, उनकी भी मृत्यु हुई थी। पुनात्मा हमने अभी आपने सुना के रमता राम जपोरे प्राणी, अब तू सुन ले राम कहानी, परमात्मा की कहानी। राम कहानी तो सृष्टि रचना से कंप्लीट होगी। सृष्टि रचना की जानकारी थोड़ी सिंपल से आपको देंगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन राम और कितनी अक्षमता का है। सृष्टि रचना के बारे में जानकारी देंगे आपको थोड़ी सी, फिर विस्तार से कल बताएंगे। राम की कहानी आपको सुनाते हैं। अभी तक हम सत्यनारायण कथा सुना करते थे। सत्यनारायण हम मानते थे श्री विष्णु जी को, और विष्णु जी को सत्यनारायण, सत्यनारायण मीन अविनाशी प्रभु, सत माने अविनाशी, सत साहेब कहो, सत्यनारायण कहो, सतपुरख कहो, सत साहेब कहो। वो सत्यनारायण ये नहीं थे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है। पुनात्माओं यहां समस्या आ जाती है कि ये कैसा प्रसंग है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। तो ये बात आम आदमी के गले में उतरती को ना, और इसको गले में उतारने के लिए थोड़ा सा सहयोग लेना पड़ेगा अपने ही सदग्रंथों का। देखिएगा श्रीमद देवी भागवत,
ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण शक्ति पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक है एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर हमारा काफी काम सर जाएगा, ये 5-7 पंक्तियों में बहुत कुछ बात सुलझ जाएगी। तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पर अब भगवान विष्णु दुर्गा जी की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्वासित हो रहा है। मैं शंकर और ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान हैं। हमारा आविर्भाव और त्रोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। हमारा आविर्भाव मैंने जन्म, तेरो भाव में मृत्यु होता है, हम तो जन्मते मरते हैं, अविनाशी नहीं है। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतती और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, शंकर जी बोल रहे हैं अब, ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब ये कड़वी कुलीन जो है आप आसानी से खा सकोगे, क्योंकि ये हमारे सदग्रंथों में इनकी जीवनी में लिखा है। इससे 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है, और दूसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और तीसरा ये हो गया कि ये नाशवान है। एक तो ये हो गया कि ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है, दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है, और तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और चौथा ये हो गया केवल ये नियमित काम करते हैं, ये किसी के कोई संस्कार को कम बत्ती नहीं कर सकते। आपके प्रारब्ध में यदि किसी को कोई कष्ट है तो ये उसको निवारण नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने स्वयं भोगना पड़ा। जैसे विष्णु जी को श्राप दिया था, अभी बताया आपको, नारद जी ने, विष्णु जी ने भोगा श्री राम रूप में आकर, श्री राम रूप रामचंद्र जी के रूप में, रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था धोखा देकर, पेड़ की आट ओट लेकर, वो बदला भी उन्होंने श्री कृष्ण रूप में आकर दिया। श्री कृष्ण जी तो विष्णु जी वाली आत्मा थे, और बाली वाली आत्मा एक शिकारी था जिसने विषाक्त तीर लिए हुए था। भगवान श्री कृष्ण जंगल में एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, पैर में पद्म था, उस पद्म को मृग की आंख जानकर वृक्ष के झुरमटों में से ना देखकर स्पष्ट उस विषाक्त तीर को हिरण जानकर ठोक दिया। श्री कृष्ण जी उस विषाक्त तीर से मृत्यु को प्राप्त हुए। तब श्री कृष्ण जी ने मृत्यु से पहले उस शिकारी से कहा कि भी तेरा और मेरा ये पिछला कोई संस्कार था। अब वो शिकारी रोने लगा, कहने लगा, उसने देखा कि मृग नहीं, ये तो द्वारकाधीश मर गया। हाथ जोड़कर कहने लगे भगवान मुझसे गलती होगी, आपकी मृत्यु निश्चित है क्योंकि ये विषाक्त तीर है और मेरे से धोखा हो गया। श्री कृष्ण ने कहा कि भाई तुझे तेरे से कोई धोखा नहीं हुआ, ये तेरा और मेरा पिछला टिट पोर्ट्रेट था, पिछला अदला बदला था, वो आज पूरा हो गया। तब शिकारी ने कहा प्रभु मेरा ऐसा कौन सा आपका मेरा केवल जेड़ा आप राजा, मैं कंगाल आदमी जंगल में भटकने वाला। तब श्री कृष्ण जी ने कहा त्रेपता युग में मैं रामचंद्र था और तू बाली था, सुग्रीव का भाई बाली था, और मैंने तेरे को ऐसे ही धोखा देकर मारा था, आज तूने मेरे से
मेरे को मार दिया, तेरा मेरा हिसाब बराबर है, अकाउंट क्लियर हुआ तेरा मेरा। तो कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे नाती नू तापम, अदले बदले लेखे लेखा, समझ बूझ सुन ज्ञान विवेका। कि तुम तो ऐसे ही एक दूसरे का टिट फॉर टेट करने के लिए जन्मते मरते रहते हो, और हमारे ज्ञान पर विचार करो, तुम्हारे इन सब संस्कारों को सुलझा देंगे। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।